गुड मॉर्निंग इंडिया, फास्ट 15 में आपका स्वागत है। आज की फास्ट लाइफ के लिए है फास्ट 15। सीबीआई जांच की मांग करते हुए लॉकेट चैटर्जी ने फर्जी वैक्सीनेशन मामले पर कहा है कि जो खबरें सामने आ रही है उसमें कई नेता मंत्री का संबंध देवांजन से देखा जा रहा है। ऐसे में जो दोषी है वो कैसे जाँच कर सकते हैं एवं वैक्सीन माने म्यूनिसिपालिटी लोगो लगिए সাদা নীল বেলুন লাগিয়ে মানে পুরোপুরিভাবে নীলবাতির গাড়িতে করে যাচ্ছে, ফলকের মধ্যে বড় বড় করে নাম ফিরাদ হাকিম, শান্তনু হোসেন, আরও কারা কারা সব নাম রয়েছে, এবং সেখানে একজন এমপি যাচ্ছে, সেখানে এমএলএ যাচ্ছে, সেখানে এত বড় বড় লোকের সঙ্গে ছবি দেখা গেছে, অথচ এখন বলা হচ্ছে যে আমরা তাকে চিনি না জানি না, এটা কোনো কথা হলো? পুরোপুরিভাবে মানে আজকে যারা যারা এই ভ্যাকসিন নিয়েছে এই শহর কলকাতার বুকেই যদি এরকম অবস্থা, তাহলে গ্রামগঞ্জে তাহলে আমরা তো বুঝতেই পারছি না। ফ্রিতে ভ্যাকসিন দেবে বলেছে কেন্দ্রীয় সরকার, সেখানে সেখানে বাগড়ি মার্কেট থেকে ভ্যাকসিন কিনে আনছে, সেটা কী ভ্যাকসিন, কী জিনিস কেউ জানে? যে 2000-4000 লোককে যে ভ্যাকসিন দিয়েছে তাদের ভেতরে যদি কিছু হয়, শরীরের মধ্যে যদি কেউ মারা যায়, তার দায়িত্ব কে নেবে? রাজ্য সরকার নেবে? তার দায়িত্ব তো সম্পূর্ণ রাজ্য সরকারের। প্রত্যেকের রেজিস্ট্রেশন অনুযায়ী নাম, ফোন নাম্বার, অ্যাড্রেস বার করে তাদের শরীরে কী কী ক্ষতি হয়েছে, তাদের শরীরের কী অবস্থা তাদের জানা উচিত। আজকে এই এই 2000-4000 যারাই ভ্যাকসিন নিয়েছে তাদের যদি কিছু হয়ে যায় মানে তখন বলা হবে কি? তার মানে এই জিনিস চলছে যে ভ্যাকসিনকে দেখাবো যদি 4000 লোক বা 2000 লোক কারোর যদি কিছু শরীরের মধ্যে অস্বস্তি, এখন ভুল ভ্যাকসিন দিয়েছে তো, দেয়নি তো। হাওড়াকে সাঁতরাগাছি স্থিত রেলওয়ে কর্মীকে ফ্ল্যাট পর চলি দো রাউন্ড গুলি, পুলিশ কো প্রফেশনাল মনমুটাও কা শক। ইটস আ ফায়ারিং ইনসিডেন্ট। Two people came on motorcycle in the morning around 8:30, and it seems to be something professional railway ka kuch affair lag raha hai. We are investigating into it, and further aapko further related to not rail staff but something related to that. Mamata Banerjee aur kanun mantri Molay Ghatak ko नारदा स्टिंग केस में सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने इनके हलफनामे को नहीं लेने के कलकत्ता हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी को नए सिरे से कलकत्ता हाई कोर्ट से अर्जी दाखिल करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट से कहा है कि वो इन अर्जियों पर फिर से विचार करें, इसके बाद ही मामले में आगे सुनवाई करें। महाराष्ट्र सरकार ने बॉम्बे हाई कोर्ट को बताया है मुंबई में 9 अलग अलग टीकाकरण शिविरों में 2053 लोग फर्जी वैक्सीनेशन के शिकार हुए हैं। बोरीवली में 514, कांदीवली में 398, वर्सोवा में 365, लोअर परेल में 207 और मलाड में 30 लोगों को फर्जी टीका लगाने के मामले सामने आए हैं। कोरोना महामारी की दूसरी लहर के दौरान देश की राजधानी दिल्ली समेत देश के कई राज्यों को ऑक्सीजन की कमी से जूझना पड़ा था। वहीं इस बीच सुप्रीम कोर्ट की ऑक्सीजन ऑडिट टीम ने ऑक्सीजन की आवश्यकता को 4 गुना से अधिक बढ़ाने के लिए केजरीवाल सरकार को कटघरे में खड़ा किया है, लेकिन इस आरोप को आम आदमी पार्टी ने खारिज किया है। बीजेपी के वार पर तुरंत दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि ऐसा कोई भी रिपोर्ट नहीं है, बीजेपी झूठ बोल रही है। एक रिपोर्ट बताई जा रही है, तथाकथित रिपोर्ट, कि दिल्ली में जब कोविड का पीक था तो ऑक्सीजन की कमी नहीं थी और ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ा चढ़ा के 4 गुना बताई गई थी, ऐसा तथाकथित रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है। मैं उस तथाकथित रिपोर्ट का सच आपके सामने रखना चाहता हूँ, और सच ये है कि ऐसी कोई रिपोर्ट है ही नहीं। जी हाँ, मैं दोहरा रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी के नेता सुबह से जिस रिपोर्ट को, जिस तथाकथित रिपोर्ट के हवाले से अरविंद केजरीवाल जी को गाली दिए जा रहे हैं, वैसी कोई रिपोर्ट एग्जिस्ट ही नहीं करती। जी हाँ, एग्जिस्ट ही नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी झूठ बोल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने ऑक्सीजन मामले की सुनवाई करते हुए एक ऑक्सीजन ऑडिट कमेटी बनाई। 26 जून यानी शनिवार को किसान आंदोलन के 7 महीने पूरे हो जाएंगे। आंदोलन के 7 महीने पूरे होने के मौके पर बड़ी संख्या में दिल्ली का रुख किसान करेंगे। किसान नेता राकेश टिकैत ने बताया कि उनका प्लान क्या होगा। और 26 तारीख को किसान नहीं भूलेगा कभी भी, हर महीने 26 तारीख आएगी, किसान ट्रैक्टरों की रिहर्सल करेगा, ट्रैक्टर आते रहेंगे और ट्रैक्टर दिल्ली का रास्ता ना भूल जाए, इसलिए इनकी रिहर्सल करनी पड़ती है ट्रैक्टर की। ये खेत में भी चलता है,
ये सड़कों पर भी चलता है। ये 10 साल पुराना है जो एनजीटी ने खत्म कर दिया। ये ट्रैक्टर दिल्ली के दरवाजे तक इसको लेकर जाएंगे, यहाँ तक इनको दिल्ली को दिखाएंगे कि दिल्ली इधर है। कभी भी आना होगा तो फिर दिल्ली सीधे जा सकते हैं। ये प्रॉपर वो नहीं है कि कब ट्रैक्टर रैली हम लोग नेक्स्ट कर रहे हैं। और क्या पता कब कर देंगे या क्या बताऊंगे, अब क्या तो बिना बताऊ जाएंगे, अब क्या नहीं बताया कर नहीं, अब क्या जाएंगे दिल्ली में, अब क्या बिना बताऊ जाएगा साहब, पूरा देश का किसान बिना बताऊ चलेगा। बॉलीवुड एक्ट्रेस पायल रोहतगी की मुश्किलें बढ़ गई है। यहां अहमदाबाद पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया है। आरोप है कि पायल ने सोसाइटी के चेयरमैन के साथ अभद्रता की, साथ ही सोशल मीडिया पर गाली देता हुआ एक वीडियो पोस्ट किया। हालांकि जब विवाद ज्यादा बढ़ गया तो उन्होंने वो वीडियो डिलीट कर दिया। छत्रसाल स्टेडियम में पहलवान सागर धनखड़ की हत्या के मामले में जेल में बंद ओलंपिक पदक विजेता सुशील कुमार को लेकर जेल प्रशासन की मुश्किलें कम नहीं हो रही है। मंडोली जेल में बंद सुशील कुमार पर हमले की आशंका को देखते हुए उन्हें दिल्ली के सबसे सुरक्षित जेलों में से एक तिहाड़ जेल में शिफ्ट कर दिया गया है। सुशील कुमार और उनके सहयोगी अजय को दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल की एक टीम ने 23 मई को राष्ट्रीय राजधानी से मुंडका इलाके से गिरफ्तार किया है। उत्तर प्रदेश में अपराधियों की कमर तोड़ने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश पर अपराधियों के खिलाफ लगातार अभियान चलाकर शासन प्रशासन उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए उनकी संपत्ति कुर्क करने में जुटी है। इसी क्रम में गौतम बुद्ध नगर पुलिस ने आज गुरुवार को सुंदर भाटी के कुख्यात गैंग के सदस्य सत्यवीर बंसल की करीब 2 करोड़ की जमीन कुर्क कर दी है। पुलिस ने सत्यवीर बंसल की 40 बीघा जमीन को, जिसकी सरकारी कीमत 1.90 करोड़ रुपए है, जबकि बाजार में इसकी कीमत 4 करोड़ से ज्यादा है। सत्यवीर बंसल की ये जमीन गाजियाबाद में उसके गाँव जाफराबाद गलौनी में स्थित है। इटली के वैज्ञानिक इस समय एक ऐसी ममी पर रिसर्च कर रहे हैं जो 3000 साल पुरानी मिस्र के एक पुजारी की है। ममी पर बार बार एक लाइन लिखी हुई है, ईश्वर खोंसू जिंदा है। इस वाक्य के मिस्र के इतिहासकारों की जिज्ञासा बढ़ा रखी है और इटली के वैज्ञानिक भी इसके जरिए उस काल की परिस्थितियाँ, रोगों और बाकी चीज़ों के रहस्यों से पर्दा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। इस ममी का भी सिटी स्कैन हुआ है और ये खबर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में सुर्खियां बन रही है। उम्मीद है कि बहुत जल्दी इस ममी और उस पर लिखी हुई लाइन पर से पर्दा उठ सकता है। एक्ट्रेस शबाना आजमी को ऑनलाइन शराब ऑर्डर करना महंगा पड़ गया और वो ऑनलाइन ठगी की शिकार हो गई। शबाना ने गुरुवार को ट्विटर पर खुद इस बात की जानकारी दी और फैंस को ऐसी धोखाधड़ी से सचेत रहने की सलाह दी। शबाना आजमी ने अपने ट्वीट में बताया कि वो ऑनलाइन पेमेंट के स्कैन में ठगी का शिकार हुई है। चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी को आईना दिखाने वाले और सरकार के खिलाफ सवाल खड़े करने और बुलंद आवाज उठाने वाले अखबार एप्पल डेली आखिरकार बंद हो गया है और इसी के साथ प्रेस की फ्रीडम पे भी ताला लग गया। ये नतीजा है सरकारी दमन और बगावत का, जो सरकार के खिलाफ लिखने पर हुआ और फिर इसकी कीमत चुकानी पड़ी। एप्पल डेली ने 24 जून को अपना आखिरी एडिशन छापा है। बिहार में कोरोना टीकाकरण अभियान के दौरान लापरवाही का मामला सामने आया है। छपरा में एक नर्स द्वारा लापरवाही देखी गई, इसका वीडियो भी वायरल हुआ है। वीडियो के अनुसार एक युवक को ANM के बिना वैक्सीनेशन लोड किए इंजेक्शन लगा दिया। युवक भी खुश होकर अपने घर लौटा, लेकिन जब उसके मित्र द्वारा वीडियो को देखा तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि ANM की कारगुजारी वीडियो में साफ साफ दिख रही थी। उत्तर प्रदेश के औरैया जिले में दूल्हे की नज़र कमज़ोर होने की वजह से दुल्हन ने शादी करने से मना कर दिया। लड़की ने शादी के लिए इसलिए इनकार किया क्योंकि दूल्हा बिना चश्मे के अखबार भी नहीं पढ़ सकता। लड़की के पिता ने बताया, मुझे करीब 5 लाख रुपए का नुकसान हो गया। इस मामले की FIR दर्ज कराई गई है। मेरे माँ बाप को धोखे में रखा गया, ये बताया नहीं गया कि लड़का के आँखों में कोई प्रॉब्लम है, बस ऐसे ही लगाता था चश्मा। सब लोग सोच रहे थे कि ऐसे ही लगाता है चश्मा, लेकिन बाद में पता चला सब कुछ हो गया। इसके बाद में बारात आई तो बारात के दिन टीके पर बैठ गया लड़का, तो सभी को पता चला कि लड़के को दिखाई नहीं देता चश्मा, अगर हटा ले तो बिल्कुल नहीं चल पाएगा। तिब्बत क्षेत्र में चीन ने पहली बुलेट ट्रेन चलाकर भारत पर रणनीति बढ़त हासिल करने की दिशा में एक बड़ा कदम बढ़ा दिया है। चीन ने हिमालय के तिब्बत क्षेत्र में अपनी पहली इलेक्ट्रॉनिक बुलेट ट्रेन का संचालन शुरू किया है। ये क्षेत्र रणनीतिक तौर पर बेहद अहम माना गया है। ये ट्रेन तिब्बत की प्रांतीय राजधानी ल्हासा और अरुणाचल प्रदेश की सीमा से सटे शहर न्यांगची को जोड़ेगी। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे फास्ट 15 के साथ।